स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उस वक्त से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंसा की जगह संवाद पर जोर दिया। भारत तब से ही हिंसा के विरोध में खड़ा रहा। भारत की सियासत में भी वैचारिक विरोध खूब देखने को मिले, आप हर रोज देख रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत या कटुता बहुत कम होती, ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन पिछले दो दशक में भारत की सियासत बदल गई और ऐसी बदली कि हालात यहां पहुंच गए हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें नहीं डालने की यहां पर उस मुकाम पर पहुंच चुके। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस नेताओं के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि ऐसे बयान का कब क्या असर हो जाए कोई नहीं कह सकता। वो बयान आप सुनिए जो सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस पर आज बहस होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सांसद सुधांशु त्रिवेदी जब मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक आपको विवेक श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, ये मसला तो पुराना है, ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माने क्या है? क्या किसी तरह का थ्रेट परसेप्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है उसमें कोई अपडेट है, कोई उतार चढ़ाव है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है? देखिए, आज एक बड़े अंग्रेजी अखबार में एक बड़े वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने इस विषय के ऊपर, जो स्वयं इंटेलिजेंस और सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कि ट्रंप के साथ जो भी घटना हुई एक डेढ़ साल पहले, शिंजो एबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी भी एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में हत्या हुई थी और ट्रंप बाल बाल बचे, उन्होंने एक प्रकार का विश्लेषण दिया कि इस प्रकार की घटनाएं तब होती हैं जब आप उनको प्रोवोक करने वाला यानी उकसाने वाले तमाम बयान देते हैं और राजनीतिक पार्टियां संयम नहीं रखती हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने उदाहरण दिया 2013 के 24 अक्टूबर की पटना की रैली, उनके पास Z+ सिक्योरिटी थी और इसके बावजूद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कोई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रूप में नहीं की गई, 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसलिए, और इधर मौत के प्रकार, कब्र खुदेगी, मर जा, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग और फिर राहुल गांधी का ये कहना कि डंडे मारेंगे अगर उनके काफिले पे कोई चीज फेंक दी गई, तो अभी तो यही फेंका गया, कुछ और फेंका जा सकता है। मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति का एक बहुत चिंताजनक उदाहरण, क्योंकि बुरे से बुरे दौर में जब वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, मैं विनम्रता से पूछता हूं कि इमरजेंसी के उस दौर में जब लोकतंत्र की हत्या हो गई थी तब भी क्या हमने किसी आप भाजपा के नेता का कोई बयान दिखा सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना की गई? जवाहरलाल नेहरू जी ने जितने भी प्रतिबंध लगाए थे किसी ने मौत शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, मगर अब ये इतना कॉमन हो गया है कि बोटी बोटी शब्द भी प्रयोग करते हैं। पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर एक थ्रेट परसेप्शन है। एग्जैक्टली थ्रेट परसेप्शन क्या है ये बोलना मेरा अधिकार नहीं है, ना मेरे पास ये सूचना है, परंतु मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से पूछना चाहता हूं, टेक्निकल बातों की आड़ मत लीजिए, मॉरल जवाब दीजिए। आप तकनीकी नहीं, नैतिक जवाब दीजिए कि इस प्रकार की बयान सुधांशु जी इसी मसले को आगे ले जाते हैं, लोकतंत्र में टेक्निकल नहीं मॉरल आप कह रहे हैं ना। विवेक श्रीवास्तव जी और अजीज खान साहब यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी, आप सुन रहे हैं, लेफ्ट लीडर में से एक आपका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि इतनी कटुता ठीक नहीं है, इमरजेंसी जैसी हालात में भी हमने कभी इंदिरा गांधी या बाकी किसी नेता की मौत की, उनके बोटी बोटी, टुकड़े टुकड़े, मर जा जैसी कामना नहीं की, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि उस दहलीज पर खड़े हैं, क्या यू कैन नॉट स्टैंड हिम? विवेक जी, मेरे ख्याल से विवेक जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। अजीज साहब, मैं चाहूंगी, मैं सवाल नहीं दोहरा रही हूं, जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, बहुत ही शानदार डिबेट है आज का,
और सुधांशु जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, वाकई में तारीफ करनी चाहिए। और मैं तारीफ करता हूँ कि जिस तरह आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरह चीजें बढ़ी हैं, हिंसा को बढ़ावा मिला है, यकीनन चिंता का विषय है। और सच में तमाम तरीके के जो वारदात हो रहे हैं, अभी ट्रंप का जिक्र चल रहा था, कहीं ना कहीं इस चीजों से, कहीं ना कहीं ऐसे शब्दावली से वो प्रभावित हुआ है यह घटना। और इस मुल्क में भी हो सकता है, इस मुल्क में भी तमाम घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अगर गौर से देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जिस पार्टी से सुधांशु जी ताल्लुक रख रहे हैं, अगर ADR की रिपोर्ट देखी जाए तो हेट स्पीच तो वही ज्यादा देते हैं। 500 गुना हेट स्पीच अगर बढ़े हैं इस रेज्यूम में ADR के मुताबिक, तो वो बीजेपी रेज्यूम में बढ़े, माननीय मोदी जी के रेज्यूम में बढ़े। यकीनन यह गलत है, दुखद है। इनके तमाम पैरेलल संगठन बीजेपी के, वो तो हमेशा नफरत की खेती करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं और तमाम तरीके के ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन वो बहुत ही बहुत तकलीफ देह है। उससे तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, समाज में नफरत का माहौल पैदा हो सकता है, तमाम नेताओं के ऊपर किसी तरीके का कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। हकीकत यह है कि आज जो सुधांशु जी ने इस बात को एडमिट किया, यकीनन जितनी तारीफ करनी चाहिए वो मैं दिल से इनकी तारीफ करता हूं, तायद करता हूं इनकी बात को, लेकिन इनको इस बात को अपने नेताओं को कहीं ना कहीं अश्योर करना चाहिए, उनको ताकीद करनी चाहिए कि ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल न करें। ये जो आपने ADR की रिपोर्ट का जिक्र किया है, सुधांशु जी 30 सेकंड में संक्षेप में, बाकी चार और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। हेट स्पीच तो आपके टाइम पे ज्यादा बढ़ी है। अजीत खान, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब अजीत खान साहब, हमारे किसी एक नेता का बयान बताइए जिसने मौत की कामना की बात, दुख की बात क्या है कि अलगाववादी और आतंकवादियों को समर्थन देते देते अलगाववादी आतंकवादियों की भाषा प्रयोग होने लगी। अजीत खान साहब सिर्फ नारे तक सीमित नहीं, सर तन से जुदा नारा दिया गया, सर तन से जुदा हो गया। केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, इंस्पेक्टर अयूब पंडित की कश्मीर में हत्या कर दी गई, और जिस ढंग से IB के ऑफिसर को मारा गया था दिल्ली के दंगों में, कि सैकड़ों चाकू के निशान, ये किस प्रकार की मनोवृत्ति है इसको सोचिए ना। हम राज, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, मैं भी कहना चाहता हूं, राजनीति के नफे नुकसान के तराजू पे तौल के हम ये ना देखें कि बड़े से बड़ी हिंसा की वारदातों को और हिंसा की बातों को कहीं हम समर्थन तो देते नहीं चले जा रहे। तो फिर मैं वही कहूंगा जो मैंने बोला था राहत इंदौरी की, वो लाइन कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ये जवाब अब मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव आप दे, मैं शुरुआत आपसे कर रही थी, अजीज खान साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अरे आप लोग वैचारिक मतभेद रखिए ना, पर किसी के मरने की कामना करना, जूता फेंक दे तो कहना अरे अभी तो बहुत चीजें पड़ने वाली हैं।